हमारा यूनिवर्स बहुत सारे मिस्ट्रीज से भरा पड़ा है। साइंटिस्ट के मन में हमेशा यह ख्याल आया है कि क्या जैसे हमारे सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वैसे ही किसी और स्टार के सोलर सिस्टम में उतने प्लैनेट्स होंगे। इसी जिज्ञासा ने हमें इतने सारे एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है। इन्हीं एक्सोप्लैनेट्स में कई तो ऐसे हैं जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप कहिएगा कि क्या रियलिटी में ऐसे प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते भी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, मैं साकेत और आप देख रहे हैं फैक्ट्स वाला, और मैं आपको बताऊंगा 5 स्ट्रेंजेस्ट प्लैनेट, या कहिए तो 5 सबसे अजीबोगरीब प्लैनेट्स हमारे गैलेक्सी में। नंबर 5, HD 106906b। HD 106906b नामक एक्सोप्लैनेट हमसे 336 लाइट ईयर्स दूर क्रक्स कॉन्स्टिलेशन में प्रेजेंट है। ये जुपिटर से 11 टाइम्स मैसिव है। बट ये उतनी स्ट्रेंज बात नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में इतने बड़े एक्सोप्लैनेट का मिलना आम बात है। बट ये अपने होस्ट स्टार HD 106906 से 758 एस्ट्रोनॉमिकल यूनी, यानी सन और अर्थ के बीच की दूरी से 738 टाइम्स दूर है। इतने दूर इतने बड़े प्लैनेट का फॉर्मेशन होना इम्पॉसिबल लगता है। हो सकता है ये प्लैनेट किसी और सोलर सिस्टम में बना हो और अपने होस्ट स्टार की ग्रेविटी से ये इसके सोलर सिस्टम में आ गया हो, या फिर हमारे प्लैनेट और स्टार की फॉर्मेशन की थ्योरी ही गलत है। और तो और, इतने दूर होने के बावजूद भी इसका सरफेस टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस है ना ये प्लैनेट स्ट्रेंज। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नंबर 4, J1407b। J1407b नाम का एक्सो प्लैनेट हमसे 420 लाइट ईयर्स दूर है। इसकी डिस्कवरी एरिक मैमजेक नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। ये एक्सो प्लैनेट बहुत ही वियर्ड है। इसकी रिंग्स बहुत बड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है। दिस प्लैनेट पोजेस वन ऑफ द लार्जेस्ट रिंग सिस्टम इन द गैलेक्सी। इसकी रिंग की डायमीटर 0.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और ये सैटर्न की रिंग से 200 टाइम्स ज़्यादा है। ये प्लैनेट जुपिटर से 20 टाइम्स मैसिव है। सोचिए, ये प्लैनेट ऐसे ही इतना बड़ा है और इसकी रिंग को मिला दें तो ये प्लैनेट कितना बड़ा लगता होगा। अगर हम इस प्लैनेट को सैटर्न की जगह रिप्लेस कर दें तो ये हमें अर्थ से भी दिखाई देगा। सोचिए, ये प्लैनेट कितना वियर्ड है। बट आगे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। नंबर 3, TRESS 2b। TRESS 2b एक्सोप्लैनेट हमसे 750 लाइट ईयर्स दूर डार्को कॉन्स्टिलेशन की तरफ प्रेजेंट है। इसे 2006 में आइडेंटिफाई किया गया था। ये प्लैनेट अपने स्टार के बहुत करीब से चक्कर लगाता है। ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है और इसका सरफेस टेम्परेचर 1800 डिग्री सेल्सियस है। ये एक्सोप्लैनेट डार्केस्ट नोन एक्सोप्लैनेट है। ये लाइट को 1% से भी कम रिफ्लेक्ट करता है। आप इस बात से इसकी डार्कनेस का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कोल से भी ज़्यादा डार्क है। दैट्स इंटरेस्टिंग, इजंट इट? नंबर 2, WASP-12b। WASP-12b एक्सोप्लैनेट हमसे 140 लाइट ईयर्स अवे अरुजा कॉन्स्टिलेशन में प्रेजेंट है। ये अपने होस्ट स्टार WASP-12 से हद से ज़्यादा करीब से चक्कर लगाता है। यह सिर्फ 1.1 डेज में ही अपने होस्ट स्टार का एक चक्कर लगा लेता है। इसकी डेंसिटी वन ऑफ द लोएस्ट है। इसकी सरफेस टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस है, और यह प्लैनेट हद से ज़्यादा गर्म है। यह प्लैनेट इसलिए भी वियर्ड है क्योंकि इसका होस्ट स्टार WASP-12 इसे 6000 टन्स पर सेकेंड की स्पीड से खा रहा है, और क्योंकि ये इतना गर्म और सामने है, टाइडल फोर्सेस के कारण ये एक्स शेप का हो गया है। कहा जाता है कि 10 मिलियंस ईयर्स में ही WASP-12b पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और यूनिवर्स के समय के अकॉर्डिंग तो ये कुछ भी नहीं है। नंबर 1, 55 कैंक्री ई। 55 कैंक्री ई एक्सोप्लैनेट हमसे 40 लाइट ईयर्स दूर है। इसकी मास 8.63 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ है, और इसका डायमीटर अर्थ की डायमीटर से 2 टाइम्स है। तो ये एक्सोप्लैनेट सुपर अर्थ की कैटेगरी में आता है। 55 कैंक्री ई एक्सोप्लैनेट अपने होस्ट स्टार 55 कैंक्री ए
के बेहद नज़दीक से चक्कर लगाता है। इससे अपने होस्ट स्टार का एक चक्कर लगाने में 18 आवर्स का बेहद कम समय लगता है। ये प्लैनेट कार्बन से बना हुआ है और इसका सरफेस टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस है। इतना ज़्यादा तापमान और प्रेशर के कारण ये कार्बन डायमंड में तब्दील हो चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक डायमंड प्लैनेट है। ये प्लैनेट हीरो का बना हुआ है। अगर फ्रेंड्स इसके डायमंड का नेट वर्थ देखें तो ये 26.9 नॉनिलियन है, यानी 26.9 के बाद 30 जीरोस। पर ये सारे डायमंड्स वेस्ट हैं क्योंकि हम सारे डायमंड्स को नहीं ला सकते, और अगर हम किसी तरह से ले भी आए तो सारे डायमंड वर्थलेस हो जाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसका वर्थ कम होते रहता है। तो ये थे 5 स्ट्रेंजेस्ट प्लैनेट्स इन आर गैलेक्सी। बट हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हमने इसे बहुत कम एक्सप्लोर किया है। कितने सारे ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जो इनसे भी ज़्यादा वियर्ड हो, और ऐसे भी प्लैनेट्स हो सकते हैं जिसे हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया यार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।